गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, आज हम बात करने जा रहे हैं सूचना लेखन के ही कुछ संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। सूचना लेखन, जैसे कि हमने समझ लिया है कि किसी विषय को लोगों तक पहुंचाने के लिए कही गई बात सूचना लेखन कहलाती है। सूचना लेखन सूचना यानी बतलाने के लिए कही गई बात, और जब वही बतलाने के लिए कही गई बात को हम सार्वजनिक कर देते हैं, सार्वजनिक यानी किसी विशिष्ट विषय पर कही गई बात सार्वजनिक कर दी जाती है, तो वह सूचना लेखन कहलाती है। अब सूचना लेखन लिखते समय हमने देख लिया कि वो दो प्रकार की होती है। वहाँ पर हमने बोल दिया कि वो खुशी की होती है और दुख की भी होती है। सुखद यानी कि दुखद, सुखद होती है जब हम समारोह उत्सवों के बारे में, प्रतियोगिताओं के बारे में लिखते हैं, और दुखद होती है जब हम किसी शोक से संबंधित यानी दुख के समाचार को लेकर लिखते हैं, तो वो दुखद में आती है। अब यहाँ पर हम चर्चा करेंगे कि सूचना लेखन लिखते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए या कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो सूचना लेखन के समय हमें जानने चाहिए, क्योंकि अगर आप इन बातों को जानेंगे तो आपकी सूचना सही प्रकार से लिखी जाएगी। तो चलिए चर्चा करते हैं सूचना लेखन संबंधी महत्वपूर्ण बातों पर। पहली बात है, सूचना प्रायः 3 या 4 वाक्यों में ही लिखी जानी चाहिए। कभी भी कोई भी सूचना 4 या 5 वाक्यों से अधिक में नहीं होना चाहिए। मतलब कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा बात कहना चाहिए। ये एक औपचारिक तरीका होता है, यानी अलग अलग बिंदुओं में और कुल मिला के जब उसका जो बॉडी यानी स्ट्रक्चर होता है, भाव जहाँ पर व्यक्त करते हैं सूचना, वो 3 से 4 शब्दों में कहा जाए, ज़्यादा से ज़्यादा कम शब्दों में अपनी बात कहने का प्रयास करना चाहिए। फिर है, सूचना पूर्ण व आसानी से समझ में आनी चाहिए, समझ में आने वाली होनी चाहिए। क्यों? अब यहाँ पर उन्होंने कहा पूर्ण शब्द। पूर्ण शब्द का मतलब सूचना ऐसी होनी चाहिए जिसमें किसी विषय के बारे में पूरी जानकारी हो। हमने आपको कहा कि विद्यालय में खेल उत्सव आयोजित किया जा रहा है, उस पर आपको सूचना बनानी है, तो यहाँ पूर्ण का तात्पर्य है कि उसमें खेल उत्सव से संबंधित पूरी जानकारी होनी चाहिए कि वो उत्सव कब आयोजित किया जा रहा है, कौन कौन सी प्रतियोगिताएं होंगी और उसका समय क्या होगा और उसमें भाग लेने का तरीका क्या होगा और वो भाग लेने के लिए नाम किसे देने हैं। यानी जब ये सारी बातें उसमें हो जाएंगी तो वो कहा जाएगा कि वो सूचना पूर्ण है। तो सूचना पूर्ण होनी चाहिए और आसानी से समझ में आने वाली होनी चाहिए। मतलब इस प्रकार से उसे लिखा जाना चाहिए तो लोगों को आसानी से समझ में आ जाए, सरल भाषा में लिखी गई हो। फिर आया प्रभावपूर्ण एवं मर्यादित शब्दों में लिखी जाना चाहिए। प्रभावपूर्ण यानी कि वो पढ़ने में अच्छे लगे ऐसे शब्दों का चयन करना चाहिए, और मर्यादित यानी कि आप बड़ों छोटों का लिहाज करके, मतलब ऐसे शब्द नहीं करोगे कि मेरे मित्रों ये सूचना आप लोगों को बताने के लिए लिखी गई है। नहीं, वहाँ पर भले ही मित्र आपके हैं लेकिन आप वहाँ क्या करोगे कि सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि मेरे दोस्तों, नहीं ऐसे नहीं, वहाँ पर क्या होगा, सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि विद्यालय में खेल प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है या खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। वहाँ पर आप ये नहीं लिखोगे हमारे स्कूल में खेल की प्रतियोगिता हो रही है, नहीं, आयोजन किया जा रहा है। शब्द मर्यादित हों, यानी कि लगना चाहिए कि आप औपचारिक रूप से कुछ बात बता रहे हो। इसीलिए कहा गया है प्रभावपूर्ण तरीके से, इंप्रेसिव वे में बात कहनी है, और मर्यादित यानी कि शब्दों का स्तर, लोगों की सोच अपने इस प्रकार से व्यक्त करनी है कि वो लोगों को आकर्षित करे और वो सभी लोग जो कि आपसे परिचित हो, जो नहीं है वो सब पढ़ेंगे, तो उस शब्दों का मर्यादित होना बहुत मायने रखता है। फिर लिखा है सुंदर और पठनीय, और सुंदर तो हो लेकिन पठनीय ऐसी भाषा में लिखना होना चाहिए। अगर आपने हैंड रिटन लिखी है तो वहाँ पर पठनीय मतलब पढ़ने लायक होनी चाहिए। तो यहाँ आजकल तो हम प्रिंटेड टाइप के फॉर्म में लगाते हैं तो वहाँ पर कोई मुश्किल नहीं आती, लेकिन अगर हाथ से लिखी हुई सूचना बनानी हो या किसी बोर्ड पर लिखनी हो तो लिखते समय सूचना आपकी भाषा पठनीय पढ़ने लायक होनी चाहिए, और समय और दिनांक का स्पष्ट उल्लेख करना चाहिए, यानी कि वो सूचना किस कब लिखी गई है, कहाँ पर उस सूचना का संबंध किस स्थान से है, किस समय से है, उसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए। तो इन शॉर्ट संक्षिप्त में हम कह सकते हैं कि सूचना कम शब्दों में लिखी जानी चाहिए, साफ भाषा में लिखी जानी चाहिए, सुंदर लिखावट में लिखी जानी चाहिए,
और सभी महत्वपूर्ण बातों का उसमें उल्लेख होना चाहिए, यानी कि वो पूर्ण होना चाहिए। इस प्रकार से लिखी जानी चाहिए कि हर एक को उसका मतलब समझ में आ जाए और साथ ही उसकी भाषा मर्यादित होनी चाहिए, ठीक प्रकार के शब्दों का प्रयोग होना चाहिए और महत्वपूर्ण बातों का उसमें बिंदुवार मतलब पॉइंट वाइज वर्णन किया जाना चाहिए। तो ये महत्वपूर्ण बातें हमें सूचना लिखते समय ध्यान में रखनी है। इसी उम्मीद के साथ कि आप ये सारी बातों को समझ रहे हैं, हम आपको सूचना लिखन का अभ्यास भी करेंगे लेकिन आगे के मॉड्यूल्स में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और ये सारे अभ्यासों को जिस क्रम में हम करा रहे हैं लेखबद्ध करते जाइए। अपनी सेहत का भी ध्यान रखिए और स्टडी करिए। टेक केयर, बाय।